छोटा सा टॉपिक है स्क्वायर मैट्रिक्स के कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, उसको हम डिस्कस करते हैं। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अभी इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। मान लो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है देन पहला पॉइंट ए टू द पावर एन इंटू ए, मैं लिखूंगा ए टू द पावर एन प्लस वन, वेयर एन एक नेचुरल नंबर है, क्लियर। स्क्वायर मैट्रिक्स केस में ये रूल में लगा रहा हूं। सेकंड पॉइंट जो है ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन, दैट इज ए टू द पावर एम प्लस एन, वेयर एम एन बिलोंग्स टू एन, एम एन दोनों नेचुरल नंबर हो। तीसरा प्रॉपर्टी ए टू द पावर एम होल टू द पावर एन ए टू द पावर एम एन, ये तीन प्रॉपर्टी है स्क्वायर प्रॉपर्टी केस में। अच्छा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्यों नहीं लिया? क्योंकि जब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लेता हूं क्या भरोसा है दैट इज सुइटेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, वो तो इम्पोर्टेंट चीज है ना। अगर मैं एक कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मानता हूँ, सपोज मैंने मान लिया ए दैट इज टू थ्री वन फोर टू वन, अगर मुझे यहाँ पे ए स्क्वायर फाइंड करना होगा तो ए इंटू ए करना पड़ेगा, इसका मतलब टू थ्री वन फोर टू वन इंटू टू थ्री वन फोर टू वन। अगर मैं मल्टीप्लाई करने जाऊँगा ये टू क्रॉस थ्री ये टू क्रॉस थ्री, ये क्या मल्टीप्लाई का लायक है? नहीं है। तो इसका मतलब इस केस में मैं पावर फाइंड नहीं कर सकता, इसलिए मेरा गलत कंसेप्ट होगा, ठीक है ना। इसलिए मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स में ये रूल यूज होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में यूज नहीं होता है, ये इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है ना बेटा। अच्छा, जब कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करता हूँ तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो ऑटोमेटिक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर मैं कोई यूज करूँगा, इसमें एक पॉइंट लिख लो, यहाँ पे लिख लेता हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स टू द पावर एन, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स खुद एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इफ नॉल मैट्रिक्स, अगर मैं जीरो कोई नॉल मैट्रिक्स लेता हूँ, इसमें क्या होगा? इस नॉल मैट्रिक्स जो है इसका रो कॉलम का नंबर बराबर हो, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म में है, इस केस में नॉल मैट्रिक्स टू द पावर कोई भी इंटीजर अगर मैं लिखता हूँ, मान लो पी दैट इज ऑल्सो जीरो मैट्रिक्स होगा, पी मेरा एक नेचुरल नंबर हो। अगर ये नॉल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं होगा तब जाके ये रूल लगेगा ही नहीं, क्योंकि तो मल्टीप्लीकेशन नहीं हो पाएगा। बात क्लियर है ना। इतना था पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स का कहानी है, ठीक है ना। अच्छा, इसके ऊपर हम एक दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में मल्टीप्लीकेशन का सारा क्वेश्चन करवाऊंगा। सपोज मान लो मैट्रिक्स ए दिया है जीरो जीरो फोर जीरो, और मुझे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए टू दी पावर सिक्सटीन का वैल्यू फाइंड करो, दो नंबर हॉर्स टाइप का क्वेश्चन पूछेगा ये। तो पहले ए स्क्वायर ए क्यू ऐसे तो फाइंड करते जाऊंगा, देखूंगा इसके अंदर में कोई कॉमन रूल है या नहीं, अगर कॉमन रूल होगा तो कॉमन रूल को देख के रिजल्ट लिख लूंगा। अगर इस टाइप का बड़े बड़े पावर आएगा, इसका मतलब उसके अंदर में जो एलिमेंट्स है
कोई पर्टिकुलर कॉमन रूल को फॉलो करते होंगे, ठीक है ना। तो एक बार ऐसे हम एब्रीवेट करेंगे ए स्क्वायर, ए क्यू, ए फोर्थ, ऐसे देखेंगे, वहीं से मुझे मालूम हो जाएगा ए टू द पावर 16 का वैल्यू क्या होगा। तो पहले जब मैं ए स्क्वायर फाइंड करूंगा, क्या ए स्क्वायर यहाँ पे मिल सकता है? हाँ जी हाँ, मिल सकता है, क्योंकि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए इंटू ए स्क्वायर आराम से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 0040 × 0040, जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू क्या आएगा? इसका पहला रो को पहला कॉलम में मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 × 0 + 0 × 4 0 हो गया। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी रिजल्ट 0 देगा। फिर सेकेंड रो को फर्स्ट के साथ ये भी 0 देगा। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 0 देगा। तो मुझे मालूम हो गया कि ए स्क्वायर ये मेरा एक 0 मैट्रिक्स आ चुका है। बात समझ आया ना? और स्क्वायर मैट्रिक्स वाला फॉर्म में आ चुका है, नहीं? तो इस केस में ए टू द पावर 16 क्या होगा? मैं लिखूंगा मैट्रिक्स ए का स्क्वायर होल टू द पावर 8। ए स्क्वायर का वैल्यू मेरा 0 मैट्रिक्स आ गया 2×2 में पावर 8, तो ये मेरा क्या बनेगा? एक नल मैट्रिक्स बनेगा, और नल मैट्रिक्स खुद 2×2 ऑर्डर का होगा। ये मेरा आंसर है, ठीक है ना। तो जब ऐसा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स यहाँ पे आ गया, या ए टू द पावर एन एक 0 मैट्रिक्स से आ गया, इन कुछ मैट्रिक्स को देख के कुछ टिपिकल मैट्रिक्स का हम नेमिंग कर सकते हैं। याद रखना, पहला नेमिंग होता है इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, देन ए इज कॉल्ड इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। सेकेंड पॉइंट, एक आएगा नील पोटेंट मैट्रिक्स। ये क्या बोलता कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। तो अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए टू द पावर के इज ए नल मैट्रिक्स वेयर के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन ए इज नील पोटेंट, ठीक है ना। ये मेरा क्या होगा? एक नील पोटेंट मैट्रिक्स होगा। ऐसा एक मैट्रिक्स आता है इनवॉल्यूटोरी, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन ए इज कॉल्ड इनवॉल्यूटोरी मैट्रिक्स। ठीक है ना। ऐसे और एक मैट्रिक्स है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए टू द पावर के प्लस 1 दैट इज ए। अगर ए टू द पावर के प्लस 1 ए हो गया तो
A is called periodic matrix. K mera तो इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स भी एक पीरियोडिक मैट्रिक्स है, पर सारा पीरियोडिक मैट्रिक्स इडेम्पोटेंट नहीं है। बात समझ रहे हो ना? इस केस में ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स मेरा क्या होगा? निलपोटेंट होगा। निलपोटेंट होगा। निलपोटेंट में एक चीज याद रखना, ए टू दी पावर के जीरो मैट्रिक्स तो होगा, इससे पहला वाला जीरो मैट्रिक्स ना हो। जैसे के ए टू दी पावर के माइनस वन जीरो मैट्रिक्स होना नहीं चाहिए, तब जाके निलपोटेंट होगा। ठीक है, इसको नोट करो, अभी हम क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? अभी सिंपली हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना? पहला क्वेश्चन, कंप्यूट द प्रोडक्ट। फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व करते हैं। इसमें एक एक पार्ट जो है एक नंबर वाले क्वेश्चन में पूछेगा। तो पहला पार्ट, जब हम कंप्यूट करेंगे, प्रोडक्ट क्या था? वन माइनस टू टू थ्री इंटू वन टू थ्री वन, ठीक है ना? तो फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है? टू क्रॉस टू। इसका ऑर्डर कितना है सेकंड मैट्रिक्स का? टू क्रॉस थ्री। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई डिफाइन होगा। जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वन इंटू वन वन, माइनस टू इंटू टू दैट इज माइनस फोर, तो वन माइनस फोर दैट इज माइनस थ्री। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड के साथ तो टू माइनस टू इंटू थ्री माइनस सिक्स, तो दैट इज माइनस फोर, ठीक है ना? फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ थ्री माइनस टू दैट इज वन। फर्स्ट रो का काम सारा कंप्लीट हो गया है। अभी सेकेंड रो के बारी, सेकेंड रो को हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो टू वन जा टू, थ्री टू जा सिक्स, तो हो गया एट, टू टू जा फोर, थ्री थ्री जा नाइन, ये हो गया थर्टीन, फिर टू थ्री जा सिक्स, थ्री वन जा थ्री, ये हो गया नाइन, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना? पहला पार्ट का आंसर हो गया। क्लियर? अभी चलते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में दिया है वन टू थ्री इंटू टू थ्री फोर। जब सिमिलरली मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, इसका नीचे ना कोई एलिमेंट ना इसका आगे कोई एलिमेंट, तो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा टू थ्री फोर, फोर टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फोर जा ट्वेल्व। बेटा इसका ऑर्डर कितना था? थ्री क्रॉस वन, इसका वन क्रॉस थ्री। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर होना चाहिए, तो यहाँ पे थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर आ गया है, ठीक है ना? ऐसे थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट जब मल्टीप्लाई करेंगे वन टू थ्री इंटू टू थ्री फोर, ऑर्डर क्या है इसमें? वन क्रॉस थ्री। इसका ऑर्डर क्या है? थ्री क्रॉस वन, मतलब ये दोनों बराबर चला जाएगा तो वन क्रॉस वन ऑर्डर में आएगा। इसमें एक ही रो है, इसमें एक ही कॉलम है, तो मुझे एग्जैक्ट एक ही एलिमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? वन इंटू टू प्लस टू इंटू थ्री सिक्स प्लस थ्री इंटू फोर ट्वेल्व। इसका मतलब मेरा रिजल्ट आ गया ट्वेंटी,
ठीक है ना, ये हमारा 1x1 हो गया, क्लियर, इतना क्लियर। अच्छा अभी फोर्थ वाला करते हैं, 3 - 1 3 - 1 0 2 इंटू 2 - 3 1 0 3 1। जब मल्टीप्लाई करूंगा रो को कॉलम के साथ तो रिजल्ट क्या होगा, 3 2 = 6 -1 × 1 दैट इज -1, 3 × 3 = 9, ठीक है ना, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, 3 × -3 = -9, -1 × 0 = 0, 3 × 1 = 3, ठीक है ना। फिर सेकंड रो के पास चले, सेकंड रो को इन कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, -1 × 2 = -2, 0 × 1 = 0, 2 × 3 = 6, फिर इसको इसके साथ, -1 × -3 = 3, 0 × 0 = 0, 2 × 1 = 2, ठीक है ना, ये मेरा कहानी बन गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, 14, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये मेरा होगा फाइनल आंसर, ठीक है ना बेटा। सिंपली प्रोडक्ट का क्वेश्चन है जो एक नंबर वाले क्वेश्चन में पूछता है, क्लियर। अभी आएंगे 2 नंबर वाले, फिर 4 नंबर वाले, फिर 6 नंबर वाले, ऐसा क्वेश्चन होंगे ना आगे, नोट कर लो।